हेलो दोस्तों, बात करते हैं उस प्लेयर की जिसका नाम है मनीमन सिद्धार्थ। उनको खरीदा लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2,40,00,000 रुपए में। उनका बर्थ हुआ है 3 जुलाई 1998। उनकी एज है 25 साल। बैटिंग की बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन है, बॉलिंग की बात करें स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। प्लेइंग रोल की बात करें तो वो एक बॉलर हैं। टीम्स की बात करें तो चेपाक सुपर गलीस से खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स से खेल चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल चुके हैं, लाइका वाइकिंग्स से खेल चुके हैं और तमिलनाडु की तरफ से खेल चुके हैं। ये स्टैट्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास के 7 मैच की 12 इन उन्होंने 27 विकेट लिए हैं। बेस्ट ने 32 रन देकर 4 विकेट इकॉनमी 2.40 का है। लिस्ट है की बात करें तो 17 मैच की 17 इनिंग में उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। बॉलिंग बेस्ट उनका रहा है 12 रन देकर 5 विकेट इकॉनमी 4.09 का। T20 की बात करें 7 मैच की 7 इनिंग में उन्होंने 18 विकेट लिए हैं। बॉलिंग बेस्ट उनका रहा है 16 रन देकर 4 विकेट इकॉनमी उनका रहा है 4.68 का। डेब्यू की बात करें तो फर्स्ट क्लास के मैच में उनका डेब्यू है कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु के मैच में 9 दिसंबर 2019 को। लिस्ट है के डेब्यू की बात करें पंजाब वर्सेस तमिलनाडु के मैच में उनका 20 फरवरी 2021 को। T20 डेब्यू की बात करें मुंबई वर्सेस तमिलनाडु के मैच में 22 नवंबर 2019 को उनका डेब्यू हुआ है। रीसेंट बेस्ट की बात करें तो कोवाई किंग्स वर्सेस पैंथर के मैच में उन्होंने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा कोवाई किंग्स वर्सेस ट्रिकी के मैच में उन्होंने 13 रन देकर 3 विकेट लिए हैं और अब उन्होंने मुंबई वर्सेस तमिलनाडु के मैच में 35 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में अगर उनको लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से प्लेइंग 11 में चांस मिलता है तो उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है।